नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेवंत राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 12 बज चुके हैं, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि अपना 12 बजे लाइव सेशन शुरू हो जाता है। बीएसटीसी 2020 रीजनिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे थे और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में फॉरेस्ट को GQVFUW लिखा जाता है। दोस्तों क्या है, फॉरेस्ट को ये लिखा जाता है तो जयपुर को क्या लिखा जाएगा, JAIPUR, जयपुर का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वही अपना पुराना तरीका, FORESTनीचे लिख दीजिए इसका कोड GQVFUW। नंबरिंग करेंगे फटाफट से, याद हो गया होगा अब 6, 15, 18, 5, 19 और 20, फिर यहां पे आ जाएगा 7, 17, फिर वी 22 नंबर पर, 6, 21 और डब्लू 23 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी नंबरिंग हो गई। ऐसे ही मैं यहां जयपुर लिख दूंगा, JAIPUR जयपुर, 10, 1, 9, 16, 21 और 18, ये जयपुर की नंबरिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। दोस्तों यहां पर देखिए, 6 को 7 लिख रहा है, +1 करा है, 15 को 17 +2 करा है, 18 को 22 +3 कर रहा है, कितना कर रहा है, 18 को, यहां पर ये यू है दोस्तों, क्या है इसको यू कर लेना, आप यू कर लेना, या 21 हो जाएगा, 3 प्लस करा है, फिर 5 को 6 +1, फिर 1 को 2, सॉरी 19 को 21, 2 और 20 को 23 यानी प्लस का 3 कर रहा है। दोस्तों फॉर्मेट क्या चला, +1 +2 +3 +1 +2 +3, ये फॉर्मेट चल रहा है, बात समझ में आ गई। ठीक है, पहले सबसे पहले +1 करिए, कितने वे 11, +2 करिए, कितने वे 3, +3 करिए, 9 और 3 12 हो गए, वेरी गुड। फिर +1 करिए, 16 और 1 17, 2 करिए 21 और 2 23, +3 करिए, 18 और 3 21, बस कोड बना दीजिए मित्रों, बहुत सिंपल है। 11 पे K, 3 पर C, 12 पर L, 17 पे Q, 23 पे W और 21 पे U, कोड क्या हो गया, KCLQWU, क्या हो गया दोस्तों, KCLQWU, अपना ये जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये +1 +2 +3 +1 2 +2 +3 का जो है वो सीरीज चल रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, कोडिंग और डिकोडिंग चल रहा है दोस्तों। एवरीडे 12 PM अपनी क्लास लगती है दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कूट भाषा में ड्रीम का कोड है CTBEH, ड्रीम का कोड क्या है CTBEH, तो उसी कूट भाषा में SWEAT यानी स्वीट का कोड क्या होगा, स्वीट का कोड क्या होगा। दोस्तों वही तरीका, DREAM फिर CTBEH, जल्दी से नंबरिंग करिए, 3, 20, 2, 5 और 8, यहां पर आ जाएगा 4, R 18 पर, E 5 पे, A 1 पर और M 13 पे, इसी प्रकार से SWEAT लिख दीजिए, 19, 23, 5, 1 और 20, ये स्वीट की नंबरिंग हो गई। दोस्तों 4 को 3 लिख रहा है यानी -1 कर रहा है, 18 को 20 लिख रहा है यानी +2 कर रहा है, फिर 5 को 2 लिख रहा है यानी -3 कर रहा है, फिर यहां पर 1 को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है तो +4 कर रहा है, और 13 को 8 लिख रहा है तो -5 कर रहा है। दोस्तों +1 -1 +2 -3 +4 -5, शुरुआत -1 से हो रही है, ये लीजिए मैंने -1 किया, 19 में से 1 गया तो कितना हुआ 18 हो गया। ठीक है मित्रों, फिर +2 करना है तो 23 और 2 कितने हुए 25 हो गई, बात समझ में आई कि नहीं, फिर -3 करना है फिर कितना आ गया 2 आ गया, 5 में से 3 गया तो, फिर +4 करना है, 1 और 4 कितने हो गए 5 हो गए, फिर -5 करना है, 20 में से 5 गए तो कितने हुए 15, कोड बना इसके वर्ण लिख दीजिए, 18 पर राजा R 18, 25 पे Y, 2 पर B, 5 पे आ जाएगा आपके E और 15 पे आ जाएगा O,
तो स्वीट का कोड क्या हो गया, आर वाई बीई ओ, क्या हो गया, आर वाई बीई ओ। दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी रीजनिंग की जो है तैयारी करवा दी जाएगी बीएसटीसी में। अगला है दोस्तों कि यदि बी आर आई डी ई ब्राइड का कोड जो है वो है एस सी जे एफ ई, क्या है, एस सी जे एफ ई, तो एस अगला है तो एफ आर ओ एस टी फ्रोस्ट का कोड क्या होगा, फ्रोस्ट का कोड क्या होगा, ठीक है। ब्राइड का कोड दिया हुआ है, अलग टाइप का सवाल है, देखें बी आर आई डी ई, नीचे लिखा एस सी जे एफ ई, देखिए 2, 18, 9 फिर 4 और 5, ये आ गया आपके 19, 3, 10, 6 और 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिखा, या फ्रोस्ट का पूछा है तो ये लिख दो एफ आर ओ एस टी फ्रोस्ट, 6, 18, 15, 19 और 20, ये फ्रोस्ट की कोडिंग कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए मित्रों यहां पर जो है 1, 2 के पास में 3 नजर आ रहा है, 18 के पास में 19 नजर आ रहा है, 4 के बाद में 5 नजर आ रहा है, 5 के बाद में 6 नजर आ रहा है और 9 के बाद में 10, यानी +1, +1, +1, +1, +1, ठीक है। आप भी इस प्रकार से इसमें हम भी बनाएंगे, ये लीजिए इसी प्रकार का कूट यहां काम में लेंगे, ठीक है। सब में प्लस एक करो, 18 और 1, 19, 6 और 1, 7, 15 और 1, 16, फिर आ जाएगा 19 और 1, 20, 20 और 1, 21, बस कोडिंग कर दीजिए दोस्तों। क्या आएगा, 19 पे एस, 7 पर जी, 16 पर पी, 21 पे यू और 20 पे टी, कोड क्या हो गया, एस जी पी यू टी, एस सी एस जी पी यू टी, दोस्तों समझ में आ गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क आ चुका है, एच डब्ल्यू का क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें कि यदि जे आई जे ए आई पी यू आर जयपुर का कोड है वाई एच एन जी पी एस, तो भोपाल का कोड क्या होगा, भोपाल का कोड क्या होगा, कमेंट करके आपको आंसर देना है, आंसर कमेंट करना है दोस्तों। 6 बजे फिर मिलेंगे राजस्थान जीके की क्लास के साथ, लाइव क्लास होती है, आप उसमें भी जुड़े और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।